बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 129वीं जयंती के अवसर पर मुंगेर प्रमंडल के डाक अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने जरूरतमंद गरीबों के बीच बांटने के लिए 50 पैकेट सूखा राशन जिला प्रशासन को सौंपा। इसके पूर्व डाक अधीक्षक ने बाबा साहब के तैलीय चित्र पर माल्यार्पण किया। उसके बाद डाक अधीक्षक कार्यालय परिसर में आए हुए गरीब निसहायों के बीच सूखा राशन के पैकेट बांटे। इस बाबत डाक अधीक्षक ने बताया कि लॉकडाउन के कारण गरीब निसहायों के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में उनकी मदद के लिए डाक विभाग ने हाथ आगे बढ़ाए हैं। सन्मार्ग के लिए मुंगेर से इम्तियाज खान के साथ सुरेश कुमार की रिपोर्ट। एक तो महामानव बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 129वां जयंती है। इस अवसर पर हम कोरोना पीड़ित कुछ गरीब व्यक्ति को अपने डाक अधीक्षक कार्यालय के कर्मचारियों के सहयोग से 40 पैकेट जिला प्रशासन के माध्यम से वितरित कर रहे हैं और कुछ हमने सीधे तौर पर यहाँ 10 गो व्यक्ति को भी यहाँ वितरित किया है। हमारा डाकघर इस कोरोना रोग नहीं, ये महामारी है और इस दौर में हमने समाज के साथ सामंजस्य बनाकर उसकी सेवा करने का सतत प्रयास किया है। क्या विकास होगा और हम फिर पुनः अपने जहाँ से चले थे वहाँ फिर आ जाएंगे, अपने काम को सुनिश्चित करेंगे। ये 3 मई तक हम लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी का 7 निश्चय जो दिया है उसको हूबहू पालन करना है। विनय कुमार सिंह, डाक अधीक्षक, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर। भागलपुर के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।